गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रीति आप लोग की हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 उच्चारण के आधार पर मात्रा अभ्यास बताऊंगी, ठीक है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। अभिप्राय है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसे ही इसे लिखा जाता है, अर्थात शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन, अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध लेखन, ठीक है। कहने का मतलब कि हिंदी ऐसा भाषा है, ठीक है, हिंदी ऐसी भाषा कि आप इसको जिस तरह उच्चारण करेंगे वैसा ही इसका लेखन होगा। अगर आप शुद्ध उच्चारण करते हैं तो शुद्ध लिखेंगे, अगर अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो अशुद्ध लिखेंगे। छात्र हिंदी भाषा में अधिकतर गलतियां मात्राओं की करते हैं, अतः छात्रों को ध्वनियों का सही उच्चारण बताना आवश्यक है ताकि वे समझ सकें कि कहां पर कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा। छात्रों को यह बताना भी आवश्यक है कि सही मात्रा का प्रयोग ना करने से अशुद्धि हो जाती है तथा कभी कभी शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। यहाँ हमने मिलते जुलते शब्दों का विभिन्न मात्राओं के साथ अभ्यास कराने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें यह बात कह रहा है कि आपको मात्राओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मात्राओं की जानकारी सही मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अशुद्ध लिखेंगे या कभी कभी शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए आपको सही उच्चारण जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही उच्चारण करते हैं तो आप उसका सही लेखन भी करेंगे, ठीक है। तो आपको मात्राओं के साथ अभ्यास करने का प्रयास यहाँ बताया गया है। आपको इसका अभ्यास करना है और लिखना भी है। आपका सबसे पहला है अ एवं आ का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास, ठीक है। अ अ के उच्चारण में कम समय लगता है और आ आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। देखिए, जैसे कि आप अ के उच्चारण वाले शब्द को बोलेंगे तो कम समय लगेगा, ठीक है, और आ के उच्चारण वाले शब्द को बोलेंगे तो अधिक समय लगता है। जैसे कि देखिए, कला कला अ के उच्चारण वाला शब्द है और काला, ठीक है, काला काला कला कला जो है कितना जल्दी बोल दिए, और काला को बोलने में थोड़ा अधिक समय लगा। जैसे कि देखिए, मन मना मन कितना जल्दी बोल दिए, मना मना में थोड़ा समय लगा। लर लार बाल बाला उर उर्रा धरा धारा चार चारा, ठीक है। आपने यहाँ देखा कि अ के उच्चारण वाले जो शब्द हैं उनको बोलने में कम समय लगा जबकि आ के उच्चारण वाले शब्द को बोलने में अधिक समय लगा। देखिए, इसको आपको उच्चारण के साथ साथ लेखन अभ्यास भी करना है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, जैसे लिखा हुआ कला कला काला काला उर उर उरा उरा चारा चारा, ऐसे ही आपको भी लिखना है और साथ में बोलना भी है। अगला देखिए, छोटी ई एवं बड़ी ई का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास। छोटी ई के उच्चारण में कम समय लगता है जबकि बड़ी ई के उच्चारण में अधिक समय लगता है। देखिए, उदाहरण जैसे है, छोटी ई का उच्चारण वाला शब्द बिल, ठीक है, अब बड़ी ई के उच्चारण वाला शब्द बीस, तो बिल बिल कितना जल्दी बोल दिए ना बच्चों, और बीस बीस को बोलने में थोड़ा अधिक समय लगा। देखिए, जैसे बीन बीन, गति गीत, बगिया बगीचा, छिल छीन, खिला खीरा, तितली बिजली,
बच्चों आपने यहाँ भी देखा कि छोटी ई के उच्चारण में कम समय लगा जबकि बड़ी ई के उच्चारण में अधिक समय लगा। आपका अगला है ऊ एवं छोटी ऊ एवं बड़ा ऊ का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास। छोटा ऊ के उच्चारण में कम समय लगता है जबकि बड़ा ऊ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। देखिए जैसे सुबह सुबह और सूरज, सुबह कितना जल्दी बोल दिए ना बच्चों, सूरज को बोलने में थोड़ा अधिक समय लगा। वैसे ही आपका यहाँ दिया गया है दू दूत, कुल कूट, झूला झूला, सुन सूत, सुना सुना, भूना भूला। देखिए छोटी ऊ के उच्चारण में कम समय लगा और बड़ी ऊ के उच्चारण में अधिक समय लगा। इसको भी आपको देखिए इस तरह लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखकर आपको बताया है, और इसको लिखना भी है और बोलना भी है उच्चारण के साथ, ठीक है, उच्चारण भी इसका आपको करना है। आपका अगला है ए एवं ए के उच्चारण का लेखन अभ्यास। ए के उच्चारण में कम समय लगता है जबकि ए के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे देखिए तेल तैर, तेल को बोलने में कितना कम समय लगा, तेल कितना जल्दी बोल दिए ना, और तैर, तैर को बोलने में थोड़ा अधिक समय लगा। तो वैसे ही ए के उच्चारण में कम समय लगता है जबकि ए के उच्चारण में अधिक समय लगता है। चेन चैन, मेल मैल, मेला मैला, ठीक है, बेल बैट, मीरा मैना, ऐसी वैसी, ठीक है। आपने यहाँ देखा कि ए के जो उच्चारण में कम समय लगा जबकि ए के उच्चारण में अधिक समय लगता है। आपका अगला है ओ एवं अ का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास। यानी कि आपको ओ एवं अ का उच्चारण करना है, इसके साथ साथ लेखन अभ्यास भी करना है। बच्चों जब तक आप सही उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप सही लेखन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको शुद्ध उच्चारण करना है और शुद्ध लिखना है। देखिए ओ ओ के उच्चारण में कम समय लगता है, अ अ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। देखिए जैसे पोता पौधा, देखिए पोता जो है ओ के उच्चारण वाला शब्द है तो इसको बोलने में कितना जल्दी हो, पोता, लेकिन जब आप पौधा बोलेंगे तो थोड़ा अधिक समय लगेगा, पौधा, ठीक है। आपका अगला है गोड़ी, उसके बाद गौड़ी, मोल मान, चोर चौक, सोक सौक, ओस और, लोहा लौटा, ठीक है। बच्चों आपने यहाँ देखा कि ओ के उच्चारण में कम समय लगा और अ के उच्चारण में अधिक समय लगा। आपको यहाँ लिखना भी है और उच्चारण भी करना है। देखिए यहाँ पे पोता पौधा, ठीक है, सोक सोक, ठीक है ना। देखिए इसका भी मैंने यहाँ आपको लिखकर बता दिया है। देखिए यहाँ पे लिखना भी है उच्चारण भी करना है, तैर तैर, चेन चैन, मेल मैल, मीला मैला, बेल बैट, मेरा मैना, ऐसी वैसी,
पोता पौधा गोरी गौरी मोल मौन चोर चौक सोक ओस लोहा सौक और लौटा। ऐसे ही आपको भी लिखना है और उच्चारण करना है। आपका अगला है अन एवं अह का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास। अन यानी अन के उच्चारण में कम समय लगता है और अह के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे देखिए अंक, अंक कितना जल्दी बोल दिए ना, लेकिन आँख, आँख को थोड़ा बोलने में समय लगा। ओके, पंख पाँव दंत दांत चंदा चांद अंत आंत संग सांप कंधा कांच। देखिए बच्चों, आपने यहाँ देखा, ठीक है, आपने यहाँ पढ़ा कि अन के उच्चारण में कम समय लगा जबकि अह के उच्चारण में अधिक समय लगा। अब आपका है आओ अभ्यास करें। मात्राएं लगाकर शब्द लिखो, उदाहरण देखो। आपको यहाँ मात्राएं लगाकर शब्द लिखना है जैसे उदाहरण में बताया गया है। देखिए, जैसे आपको यहाँ आ की मात्रा से लिखा है नाम, तो आपका यहाँ अगला शब्द होगा काम। ठीक है, आपको यहाँ देखिए छोटी बड़ी की मात्रा से आपको शब्द लिखना है, छोटी की मात्रा से छोटा उ बड़ा उ री ए ए ओ ओ अन अ। इन मात्राओं से आपको दो दो शब्द लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आ की मात्रा से एक शब्द लिख दिया। अब आपको बड़ी की मात्रा से बताना है, तो बड़ी की मात्रा से कीला, ठीक है, और पीला। ठीक है, आपका अगला है बड़ा उ की मात्रा से, तो झूला और खून। ये आपका बड़ा उ से हो गया। आपका अगला है मात्रा ए, तो ए की मात्रा से तेल और पेल। आपका अगला है ओ, ओ की मात्रा से, तो ओ खली ओखली और चोर। ठीक है, आपका अगला है अन की मात्रा से, तो पंख और शंख। देखिए अब आपका है छोटी की मात्रा से, तो आपका एक दिया गया है उदाहरण बताकर दिल। अब आपका अगला शब्द हो जाएगा बिल, छोटा उ की मात्रा से शब्द लिखना है झूला और सुख। आपका री से, री की मात्रा से शब्द लिखना है, तो मृग और वृक्ष। आपका अगला है ए की मात्रा से दो शब्द लिखना है, तो बैल और पैर। ठीक है, आपका अगला है अ की मात्रा से, तो अ की मात्रा से हो जाएगा औरत और चौड़ा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको यहाँ मात्रा को देखकर शब्द बता रही हूँ। आपका अगला है अह की मात्रा से, तो आँख और दांत। दांत के अलावा मुंह भी होता है। ठीक है, तो इन मात्राओं को देखकर आपको शब्द लिखना है। इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखकर आपको बताया है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अन एवं आह का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करना है। जैसे कि अंक का लिखना है आँख का आँख, ठीक है, उच्चारण भी करना है और लिखना भी है। पंख पाँव दंत दांत चंदा चांद अंत
आंत, संग, सांप, कंधा, कांच। ठीक है, और यहाँ आओ अभ्यास करो। इसका भी मैंने आपको यहाँ लिखकर बता दिया है। आ की मात्रा से नाम और काम, छोटी की मात्रा से दिल बिल, बड़ी की मात्रा से कीला पीला, बड़ा ऊ की मात्रा से झूला खून, ए की मात्रा से तेल पेर, ओ की मात्रा से ओखली चूर, अन की मात्रा से पंख शंख, है ना। छोटा ऊ की मात्रा से झूला सुख, री की मात्रा से मृग वृक्ष, ए की मात्रा से बैल पैर, अ की मात्रा से औरत चौड़ा, अ की मात्रा से आँख दांत। ठीक है, तो ये आपका यहाँ मात्रा लगाकर शब्द बन गया। आपका होमवर्क है पेज नंबर 18 to 21, पेज नंबर 18 to 21 आपको अपने व्याकरण के किताब में पूरा करना है और इसको कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आपका होमवर्क क्या है, पेज नंबर 18 to 21 अपनी कॉपी में लिखो और ग्रामर के बुक में कंप्लीट करो।